So any kind of such, if any such kind of, I say that incident happens, तो वहाँ पर वो आ जाए. और जहाँ तक ऐसे facts हैं ना कि first woman who is this, तो फिर वो तो Google बाबा की जय, ठीक है? वो सब Google बाबा की जय कर लिया करो. So yesterday हम लोगों ने किसके साथ start किया था? We have started with हम लोग अर्थक्वेक फिनिश किया एंड देन साइक्लोन वी हैव डन, यस आर नॉट क्लियर? एंड आई हैव डिस्कस एट इट्स लेंथ एंड लास्ट पॉइंट दैट आई वाज डिस्कसिंग, और उसके लिए आप लोगों को कई बेसिक कंसेप्ट आई हैव मेड यू टू अंडरस्टैंड, यस आर नॉट? द क्लाइमेट में कि व्हाट इज द, आई सेड एडियाबेटिक एक्सपेंशन, व्हाट इज एडियाबेटिक कंप्रेशन, है ना? थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल रखा करें. हमने एक बात जानते हो, मैं आई वॉज सपोज टू बी द वन ऑफ द मोस्ट खड़ूस स्टूडेंट, यू नो. जब मेरा फेयरवेल हो रहा था, दैट टाइम हम लोग का जो होता है ना भाई, कॉलेज ख़त्म होगा, फेयरवेल में मुझे बोला गया, पंकज एटलीस्ट टूडे यू शुड लाफ, हैव ए सोइंग योर, सो योर स्माइलिंग फेस. तो फिर आप जानते हो एक ज़बरदस्ती का स्माइल कैसा होता है, लगता है फेक हंस रहा है, समझ रहे हैं ना? जिसने अपने फेस पर स्माइलिंग फेस नहीं लेकर आया तो इंटरव्यू में क्या करोगे? इंटरव्यू में आप क्या करोगे? जबरदस्ती का सी कौन? एक तो वहां हालत खराब रहेगी आपको, ठीक है? आपका सच और झूठ सारा पकड़ा जाएगा. तो वहां पे केवल सत्य ही सत्य बोलना, ओनली यू शुड से ट्रूथ, द वन पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर. मैं बहुत सारी बातें तो नहीं बोलूंगा, बट ओनली वन थिंग इज दैट नेवर बॉदर विद द इंटरव्यूअर एंड देन बी ट्रूथ. इफ यू डोंट नो एंड डोंट नो द आंसर, सेड नो. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ यू एंटर, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, द वे दैट यू आर स्माइलिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. परहैप्स यू आर नॉट नोइंग, 275 मार्क्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क्स. Why don't you understand? If you are preparing for civil services and if I am an administrator and I am going somewhere, अपने subordinate से बात कर रहा हूँ, if I am talking, पहले ही face ऐसा बना के रखूँगा, बोलेगा सर क्या इससे बात करने जाओ. You know that smiling, doctor is smiling at you somewhere, he'll to an extent. कोई बात नहीं बेटा, no need to worry about it. Why you are learning ethics? Why you are learning ethics? Huh? Ethics may behavioral ethics. So, आपको एक फुल पैकेज है. सिलेक्शन हो या ना सिलेक्शन हो, यू विल बी द बेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, बट पूरी तरीके से 100% अपना देने की कोशिश करो. और उसका खामियाजा मैं यहाँ पे हूँ. आई हैव गिवन इंटरव्यूज, बट इंटरव्यूज में मार्क्स मेरे लेस थे, नो नीड टू वरी अबाउट इट. लेकिन खड़ूसपन की वजह से मेरे, बस आई एम एन IITian एंड आई एम सो समथिंग लाइक दिस, नथिंग मोर देन दैट. I can learn on a lot and learn a lot. बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं, लेकिन इस कारण से मैं कभी किसी से ज़्यादा डिस्कशन में नहीं रहता था. तो कई चीज़ें आई कैन टेल यू दैट स्माइलिंग फेस रखो. अभी तुम लोग देखे होगे तो यहाँ पे खड़ूस की तरह बैठा होऊंगा, नो स्माइल, है ना? एंड सडनली व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, स्माइल कम्स. हाँ, तो बस मेरा स्माइल लाइफ में दो ही जगह होता है, वन व्हेन आई एम विद माई बेबीज, I can't say about my wife. So वो ऐसे ही मस्ती होते रहना चाहिए, yes or not? तो wife भी समझ चुकी है बहुत सारी चीज़ें. तो बस हंसते रहो, smiling face रखते रहो. ये आपको smiling face के लिए सारी बातें बोल रहे हैं, so that you can smile ever. Otherwise ये exam बहुत tough हो जाएगा आपके लिए. बहुत easy है, class 12 तक पढ़ना है यार. I am not teaching anything extra, you know. Just trying to make the things easier to you. When the NCERT you are not able to understand, I am making what an explanation of it. Much better explanation of it. Simple. Clear? So, chalte hain, hum log start karte hain. We have seen yesterday cyclone, and the last point that we are discussing that in the India, that 8 to 10% cyclone comes into the Bay of Bengal, and then 2 to 3% you can say in the, I said, Arabian Sea. And in the Bay of Bengal, it is the region of which one I said that West Bengal, Odisha, and then Andhra and Tamil Nadu. But in which region its effectiveness reduces? In the deltaic zone.
Understood? And if anybody asks why it reduces effectiveness, the only the thing is the salinity reduces. Mixing of fresh water as well as what I said, that saline water. And when it is mixing, the salinity reduces and then heating intensity also reduces. Or यदि पानी ठंडा हो तो साइक्लोन के लिए सही नहीं है, है ना? Getting it? Clear है सबको? Any problem? Clear है everyone? तो हमने ये भी देखा कि 8-10% साइक्लोन क्यों अरेबियन बे ऑफ बंगाल में है, एंड दैट इज द टू कॉज आई हैव डिस्कस विद यू. आई सेड दैट बे ऑफ बंगाल सी सरफेस टेम्परेचर इज ग्रेटर देन अरेबियन सी. एंड अनदर वन वी हैव सीन, आई सेड दैट लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. और इसको समझाने के लिए, आइलैंड समझाने के लिए मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था, स्पेसिफिक हीट. परहैप्स यू रिमेंबर द लैंड स्पेसिफिक हीट इज लोअर देन द वाटर, यस आर नॉट? लेस देन. और जिसकी स्पेसिफिक हीट, हुज स्पेसिफिक हीट इज लो, दे वार्म फास्ट, हीटेड फास्ट, एंड इन द नाइट टाइम बिकम कोल्डर फास्ट. इज इट क्लियर? या एंड दोज स्पेसिफिक हीट इज हाई, इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू गेट हीटेड and then slowly releasing the heat. तो water body always ऐसा ही रहेगा. तो हमारा land part क्या हो जाता है? Land part become very heated. And जहाँ पे number of islands ज़्यादा रहेंगे, in that region there is a high chance of what I said, that formation of tropical cyclone. जब आप tropical cyclone पढ़ोगे, in that case you'll see the first important point is the sea surface temperature should be what I said, that 26.5 degrees Celsius or more till the depth of 50 to 60 meter. ये पहला condition होता है जो कल थोड़ा सा आपको बताया भी कि सी सरफेस टेम्परेचर इतना होना चाहिए. क्योंकि यदि 50 टू 60 मीटर का मतलब क्या है कि आप यू कैन सप्लाई फॉर लॉन्गर टाइम वार्म वाटर, यस आर नॉट? 50 टू 60 मीटर डेप्थ का मतलब है. और वही वार्म वाटर इज द इंजन, हीट ऑफ वार्म वाटर इज द हीट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन. यदि सडनली मान लो 5 टू 10 मीटर होता तो यही डेवलपमेंट होता, और 5 टू 10 मीटर का वाटर गर्म एवोपरेट हो गया, एंड फाइनली वी लेफ्ट विद द कोल्ड वाटर, सडनली साइक्लोन फॉर्मेशन स्टॉप्ड. आई नीड ग्रेटर डेप्थ, व्हाट इज वार्म वाटर. तो कौन ज्यादा गर्म है? यस टेल मी, बे ऑफ बंगाल इन कंपैरिजन टू. एंड वन मोर थिंग, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, इफ यू कैन बी एबल टू सी, लाइक आई सेड, इफ यू आर वॉचिंग आउट दैट इंडिया, इफ इट इज, आई सेड दैट here India is here, and if I am talking, if you know the map of the world, if you know the map of the world, you know that this is your Atlantic Ocean, and here the ocean current of the equator, warm ocean current. Ocean current in the ocean near to the equator will be warmer, and it is carrying the heat to the what, polar region, yes or not? Yes or not? And coming back from there, cold current comes. So it is in a balancing of the heat over the earth surface. यदि पूछा जाए why do the earth is not becoming very heat? क्योंकि ये जो reason है यहाँ पर, अच्छा ये बताओ, आपके पास incoming ज़्यादा हो, incoming is more and outgoing is less, then what will happen? You will have lots of money ना? Can you say that you have a surplus money? So, इस रीजन में क्या होता है? सरप्लस हीट होता है. बिटवीन दैट 37 डिग्री हाफ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, इट इज इन अ सरप्लस जोन. इनकमिंग इज मोर देन आउटगोइंग. किसका मतलब? हीट तो, ये तो धीरे धीरे 500 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था, धीरे धीरे 50, 60, 80, 90, 100, 500 ऐसा हो जाना चाहिए था. और इन दिस रीजन इनकमिंग इज लेस, सन रेज आर कमिंग स्लैंट. गेटिंग माई पॉइंट? और यहां पे इनकमिंग इज लेस एंड आउट गोइंग इज मोर, देन इट शुड, इट इज नॉन एज एट व्हाट आई सेड दैट हीट डेफिसिट जोन. तो यहां की हीट डेफिसिट को हीट सरप्लस क्या करता है? इक्वेटर से यहां तक ले जाता है, यस आर नॉट? एंड इट इज इन अ हीट बैलेंसिंग. हम लोग क्या कह सकते हैं? हीट बैलेंसिंग ओवर द अर्थ सर्फेस. बट इन द अटलांटिक ओशन, इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन, व्हाट यू कैन सी, देयर इज इन अ बैलेंस ऑफ द हीट, yes or not? Ocean circulation, and at the same time in the Pacific Ocean it is large open, also balancing of the heat. But in case of Indian Ocean there is no as such, it is a land part. So where the heat will go? It will remain in the Arabian Sea and Bay of Bengal. The Bay of Bengal and Arabian Sea is warmer in comparison to the other oceans. Getting my point? Yes or not? Samajh mein aa gaya?
Yes or not? It is a landlocked above. It is not an open ocean. North Indian Ocean means Bay of Bengal and which one? Arabian Sea. It's not on open in the upper side. If it is not in the open in the upper side, there is not a heat balance is not taking place. Yes or not? So the Northern Indian Ocean means I said that Bay of Bengal and Arabian Seas are warmer. Clear? And in India, the four period of cyclone, speak with me, April, May, June, September, October, November, and December. Getting my point? What are the period I said that first? April, May, June, September, October, November, and December. So the four period, generally in the world after August, in the Northern Hemisphere, after August tropical cyclone comes, but in India, it is from the April, May. Why? Because it is warm enough in comparison to the Atlantic and Pacific. Northern Indian Ocean is warmer than North Atlantic Ocean and North Pacific Ocean. Clear hai? थोड़ा मेरी तरफ क्वेश्चन मार्क में मत देखा करो, खुश होके यदि समझ में आ जाए तो खुश होके देखा करो, तो आई विल बी हैप्पी एनफ, यस आर नॉट? आई विल बी एबल टू मेक एन कॉन्टैक्ट विद यू, एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट मेक एन आई कॉन्टैक्ट विद द टीचर एंड आई कॉन्टैक्ट विद द आई सेड दैट इंटरव्यूअर. योर 33% नॉलेज कैन बी आपकी आंखों से पता चल जाता है कि वॉट यू आर थिंकिंग एट द बैक ऑफ इट. गेटिंग माई पॉइंट? So 33% importance of your interview, it is an eye contact, the way you are handling. Confidence, it will be realized. Aur ye aaj se sikhoge, to hi jaakar kal karoge. 5 interviewers will be there and how you have to handle with your eye contact. Is it clear? So, yahan I said that that Northern Indian Ocean is warmer than, therefore there is a 4 period of tropical cyclone in Indian Ocean. Aur aap socho ki world mein 100% hai, usme 10% is from the Bay of Bengal. 8 to 10%. So write down. Northern Indian Ocean Northern Indian Ocean in comparison to North Atlantic Ocean in comparison to North Atlantic Ocean and North Pacific Ocean is landlocked. Yes or not? So therefore what happens, it is not able to transfer the heat. Yes or not? It is not able to transfer the, yeah, not able to circulate the heat. Clear? Therefore it is not able to circulate the heat through ocean circulation and on the basis of this we can say North Indian Ocean or Bay of Bengal and Arabian Sea are much warmer therefore tropical cyclone in this region categorized into
categorized into four period. First, अप्रैल में, क्या याद है आपको साइक्लोन अम्फान इन 2020, इट इज इन द मई मंथ 2020, यस आर नॉट? इन वेस्ट बंगाल साइक्लोन अम्फान इन विच मंथ? मई मंथ. सो यू कैन ऑल्सो इन द फ्रंट ऑफ इट यू कैन राइट. सो इन द फर्स्ट वी कैन से इन द अप्रैल में I said that cyclone Amphan in May 2020. Clear? Second one, June, yaad hai na? June September, and in the month of June we have seen the cyclone Nisarga in Maharashtra. It is in West Bengal. It is in what? And here it is, a cyclone Nisarga in June 2020, महाराष्ट्र. घर में बैठे होंगे, न्यूज देख रहे होंगे तो आपको याद आ रहा हो. महाराष्ट्र, यस आर नॉट? अनदर वन इट इज, आई सेड दैट अक्टूबर नवंबर and the last year three cyclones has been, I said that in India it has been arrived, and the last one in Tamil Nadu, cyclone Niwar in the month of November. Cyclone Niwar November 2020, and that is in Tamil Nadu. Clear? It means, and the last one it is, I said that which month? December. Or generally December mein bahut disastrous banta hai. October, November and December hai the disastrous. If in 1999, if we can be able to see that the super cyclone Odisha, it is in the month of December, 1999, December month. Understood? जब आप साइक्लोन की क्लास करते रहेंगे तो शायद आपको समझाया जा सकता है, यदि आप टीचर से पूछेंगे तो. यू कैन बी. So we have seen, समझ में आ गया why India has such a large period? Only which month left? January, February, March. Yes or not? So we are in the month where the cyclone is not going to come. So next month, the next it is like this, and then thereafter we'll be able to have chances of cyclone. Understood it? समझ में आ गया? आप यदि आपसे कोई पूछे कि why there is a large long period of formation of cyclone in India and there is a such disaster is there? बोलोगे जो अभी बताया ओशियन सर्कुलेशन का कंसेप्ट. यस आर नॉट? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, इट इज ओपन इन कंप एंड देन नॉर्थ इंडियन ओशियन इज नॉट ओपन. गॉट इट? कुछ बर्न हो रहा है क्या? नहीं, मुझे ही आ रहा लग रहा है. चलो, सो वी हैव सीन अबाउट द cyclone, and next one we have to see, like I said, क्या cyclone को prevent कर सकते हैं हम लोग? नहीं, cyclone के prevent कर सकते हैं हम? अरे prevent का मतलब है blocking the effect. अरे ब्लॉकिंग द इफेक्ट कैन वी डू इन द लॉस ऑफ लाइफ्स? कर सकते हैं ना?
वो तो थोड़ा सा हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम देता है, पहले से फोरकास्ट पता रहता है, यस साइक्लोन इज अबाउट टू कम, देन वी कैन प्रिवेंट. बट इन केस ऑफ अर्थक्वेक वी डोंट नो इट इज गोइंग टू कम और नॉट. राइट नाउ इट कैन कम, यस एंड देयरफॉर वी कैन नॉट फोरकास्ट. अर्थक्वेक कैन नॉट बी फोरकास्टेड, देयरफॉर वी कैन नॉट बी एबल टू व्हाट, प्रिवेंट इट. लेकिन इसको तो प्रिवेंट कर सकते हैं. सो क्या होगा, प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड प्रिपरेशन. सो लिखेंगे फर्स्ट प्री डिजास्टर, प्री डिजास्टर प्रिवेंशन, प्री डिजास्टर डैश प्रिवेंशन मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस. एंड दिस इज नॉन एज इन द फॉर्म ऑफ आई सेड दैट नेशनल, याद होगा आप लोगों को, नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन. अरे कल ही तो बोला था यही, यहां पे साइक्लोन की जगह अर्थ था, अर्थक्वेक. यस आर नॉट, इन प्लेस ऑफ साइक्लोन यस्टरडे आई हैव सेड दैट देयर इज इन अ विच वन, अर्थक्वेक. क्लियर? सो नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट. द फर्स्ट पॉइंट क्या बोलोगे, यस टेल मी, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू शुड से? पहला तो हमारा, हर साल जो भी टेक्नोलॉजी आए वी शुड अपग्रेड द टेक्नोलॉजी फॉर व्हाट आई सेड दैट फोरकास्टिंग. और किस पाथ को लेकर आ रहा है, इफ इट इज इन इंडिया देन हाउ दिस ट्रैक इज मूविंग, यस ऑर नॉट, देन इट हैज गॉन टू द वेस्ट बंगाल अम्फान, यस ऑर नॉट, द ट्रैक and the early warning system. So we should have upgraded forecasting, tracking and early warning system related technology, yes or not? So likhenge first upgraded forecasting, tracking एंड, याद हो जाना चाहिए क्लास में, अर्ली वार्निंग सिस्टम टेक्नोलॉजी. क्लियर? सो द फर्स्ट वन वी हैव बीन एबल टू सी फोरकास्टिंग ट्रैकिंग एंड व्हाट आई सेड दैट अर्ली वार्निंग, यस आर नॉट. क्लियर? The next one, perhaps you remember yesterday what I discussed with you, technical assistance. Yes or not? Technical assistance in the capacity building. Aur kal maine bola tha ki I'll utilize here. Hame kya chahiye? Hame capacity building badhana hai. Yes or not? To improve the chance of success, to reduce the disaster risk. Capacity matlab ye hai na, failure ko kam karna. So technical assistance in the capacity building of what? Infrastructure. Kisme? और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, यास ध्यान से दें. तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बोला, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने कल बोला था कि यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, यस टेल मी, साइक्लोन वॉल, दैट इज नॉन एज ए साइक्लोन इम्बैकमेंट, यस आर नॉट. एंड एट द सेम टाइम वी हैव सेड दैट वी हैव ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ फॉरेस्ट एंड ऑल. क्लियर? तो पहला साइक्लोन वॉल लगाना अपने आप में, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, साइक्लोन वॉल. Understood? That is known as cyclone embankment. So second point likhenge, technical assistance in the capacity building of yes infrastructure dash, kya likhoge? साइक्लोन इम्बैकमेंट. साइक्लोन, कहीं पे वॉल भी लिखा रह सकता है, साइक्लोन वॉल. क्लियर? क्योंकि वहां पर सी वेव्स बहुत ऊंचे ऊंचे आते हैं, स्टॉर्म सर्ज. यस्टरडे वी हैव डिस्कस ऑल,
Yes or not? तो वो जो फ्लड वाटर दैट इट इज इन अ लार्ज विच इज गोइंग टू बी अफेक्टिंग इट, तो हमें क्या करना होगा? साइक्लोन वॉल एंड इट विल बी स्टॉपिंग. अनदर पॉइंट, दिस इज क्लियर ना? इन विच वन इंफ्रास्ट्रक्चर, और विच इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव सीन? एम्बैकमेंट. अनदर वन वी हैव टू सी द टेक्निकल असिस्टेंस. इन विच वन? क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास. Like I said that, what is the critical infrastructure? जिसके वजह से शहर बंद हो जाए, उसकी working, electricity supply, road infrastructure, transportation and all. तो हमें इस critical infrastructure के लिए ऐसा बना के रखना चाहिए कि उसके loss कम हो. Yes or not? और यदि पुराना हो तो उसको retrofitting कर लें. Yes or not? Clear है? तो यहाँ पर हमने क्या है? Technical assistance for critical infrastructure. Technical assistance for development of critical infrastructure. Yes or not? So, हमें critical infrastructure बनाने के लिए what should we do? समझ में आ रही बात? उनको स्ट्रॉन्ग एनफ बनाना होगा कि लेस प्रॉब्लम आए. अंडरस्टूड इट? जिससे साइक्लोन को सह सके. अनदर पॉइंट वी हैव टू डिस्कस लाइक दिस, टेक्निकल असिस्टेंस इन द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, टोटल डिजास्टर. कल बात किया था ना, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हमें क्या चाहिए? टेक्निकल असिस्टेंस. व्हाट इज आई सेड दैट थ्रू द सैटेलाइट्स इफ यू आर गेटिंग, एंड आईएमडी इज गेटिंग सम काइंड ऑफ इमेजेस. देयर इज, आई सेड दैट इसरो इज सपोज टू बी हेल्पिंग एट अ लॉट स्केल, हायर स्केल, एवरीथिंग, एवरी ट्रैकिंग, एंड देन स्पीड, हाउ मच स्पीड ऑफ दिस साइक्लोन. यस आर नॉट? कौन करेगा? हु विल गिव दिस स्पीड आइडिया? सैटेलाइट्स. यस आर नॉट? पूरी कैसे मूव कर रहा है, कहां पर आएगा, कितने बजे स्ट्राइक करेगा, सब कुछ बता दिया जाता है. अंडरस्टूड? तो टेक्निकल असिस्टेंस इन द, व्हाट आई सेड दैट, टेक्निकल असिस्टेंस इन द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट. सो राइट डाउन, टेक्निकल असिस्टेंस इन द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ, टेक्निकल असिस्टेंस इन द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट. सपोज वन वर्ड आई एम गोइंग टू से, ब्रेक वाटर्स. डू यू नो व्हाट इज ब्रेक वाटर्स? एनीबडी? ब्रेक वाटर्स, अच्छा, ब्रेक वाटर बाइफर्केट, तो इट विल कम थ्रू द रुक रुक कर. अच्छी बात है. इट इज द वाटर इज कमिंग थ्रू द वाटर इज स्टॉपिंग स्टॉपिंग. सपोज करो कि इन द कोस्टल एरिया आई हैव, व्हाट आई सेड दैट गिवन लॉट्स ऑफ बोल्डर्स. कोस्टल एरिया आई हैव, व्हाट आई सेड, गिवन लॉट्स ऑफ बोल्डर्स, एंड व्हेन द सी वेव्स विल कम देन द बोल्डर्स विल स्टॉप, और पानी की स्पीड को रोक देगा और वो उसके बीच बीच में होल रहेगा. इफ आई हैव, आई एम लाइक दिस, lots of boulders, then the sea storm surges are coming, then it will be what happened, pani yahi par aakar iski speed ko kam karega aur kuch pani andar andar jaakar dheere dheere speed ko, and iski effectiveness will be reduced. Breakwaters. कभी आपने देखा होगा कि मुंबई कोस्ट पे कुछ लोग एक जगह जाते हैं घूमने उमने के लिए, बना हुआ रहता है, मतलब वहां पे कपल्स ही जाते हैं, कपल्स के अलावा कई लोग जाते हैं. तो उस एरिया में इफ यू गो देयर देन यू विल बी एबल टू फाइंड बिग सीमेंटेड, सीमेंट का बना हुआ वहां पर स्ट्रक्चर रखा हुआ है, सेविंग फ्रॉम द व्हाट, सी वेव्स एंड साइक्लोन. मुंबई इज अंडर द व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ साइक्लोन, निसर्ग कल आ रहा है. लास्ट ईयर देखा था ना, दैट इज आई सेड दैट कमिंग टुवर्ड्स द महाराष्ट्र, दैट इज द मुंबई गोवा एंड ऑल रीजन. गेटिंग इट? सो समझ में आ चुका, ब्रेक वाटर्स. क्लियर है? तो लिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेक वाटर्स
to reduce the impact. Clear? Let us discuss about vulnerability. Vulnerability. So what we'll do from the coastal area, we will bring back, we'll bring back human being away from there, and there will be some bankers will be there, and there will, it is known as a cyclone shelter. What it is known as? So jitne bhi human being honge from the coastal zone, it will be displaced towards the what? Cyclone shelters. Wahan pe food supply, water supply, everything should be given to them so that they can be safe enough. Yes or not? Clear hai? So it is in a reducing the vulnerability. Write down. For reducing the vulnerability, formation of, yes? Cyclone shelter. Clear ho gaya? Yes? Completely okay in your mind how it is? Clear ho gaya? And uske baad jo bhi kahani hai, NDRF team jab aa jata hai to NDRF team become active. Yes? Aur NDRF team uske baad nahi jati hai, pehle se hi wahan rehti hai. Jo logon ko displace kiya jata hai, local people and the community people, everyone has been displaced through whom? NDRF. Understood it? So the we have been able to see. समझ में आ रहा है ना, ये हार्ड हार्ड चीजें हार्ड तो नहीं लग रही है आपको? यस. नेक्स्ट राइट डाउन, इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट approach. और या इसको integrated coastal zone लिखेंगे, coastal zone management approach. Yes, tell me, which are the states under the cyclone? Which are the states under the impact of tropical cyclone? West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat, Kerala. हम पूछा था आपसे, एक question पूछा था कि मुझे बताना Kerala how would get affected, है ना? चलो अभी मैं पूछूंगा. So I said that Gujarat and महाराष्ट्र एंड लिटिल बिट केरला कह सकते हो, लिटिल बिट तो कर्नाटका भी है, बट आई सेड दैट द इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज एन इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट अप्रोच. अब कैसे उसे समझाऊं मैं, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू मिस दैट ऑल्सो. First point I said that suppose generally coast aisa rahega, yes or not? The portion which is towards the sea, it is known as headland. This is known as what I said, that headland. Headland, and these are small structures are known as bay. Understood it? So first one, और यहां पर आपको ये मैं बता दूं.